जब तक बाकी लोग आते हैं एंजॉय कीजिए कहानी को, सुनिएगा। ये कहानी एक ऐसे राज्य की है जहां पे वहां का राजा जो होता है वो हर 5 साल बाद बदल दिया जाता है। एक ऐसा राज्य जहां का राजा हर 5 साल बाद चेंज कर दिया जाता है। वो चेंज करते वक्त क्या होता है कि जिस राजा ने 5 साल तक शासन किया होता है उस राजा को नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उसको हाथी पे बैठाया जाता है और पूरा राज्य जाता है उस राजा को विदाई देने के लिए और उसे एक ऐसे जंगल में छोड़ के आ जाते हैं, बहुत घना जंगल जहाँ पे सिर्फ जानवर होते हैं, वो भी हिंसक जानवर जो उसको वहां पे खा जाते हैं, उसको मार देते हैं। किसी भी व्यक्ति को उस राज्य से वहां का राजा बनाया जाता है। पूछा जाता है कि मुझे राजा बनना है, वो कहता है ठीक है मुझे राजा बनना है। उसका थोड़ी मोटी योग्यता उसकी देखी जाती है, उसे राजा बनाया जाता है। लेकिन उसे पहले बताया जाता है कि 5 साल बाद तुझे उस घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा जहां पे ना खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए कुछ है, बस घना जंगल है और हिंसक जानवर है। ये बात बता के उसको राजा बनाया। तो ये बेटा प्रोसेस चलता रहता है, राजा आते हैं 5 साल तक राज करते हैं और फिर वही उस राजा को नए कपड़े पहनाए जाते हैं, हाथी पे बैठाया जाता है, उसे विदा देने के लिए जंगल में सब लोगों को छोड़ दिया। तो ऐसा चलते चलते एक बार एक राजा आता है, उसके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं और उसे नए कपड़े पहना के हाथी पे बैठाया जाता है, विदाई उसको दी जाती है। उसके बाद वो राजा बनने के लिए तैयार है और उस राज्य में एक बड़े बुद्धिमान व्यक्ति होता है। सभी लोग उसके पास आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उससे कि भाई तुम बड़े बुद्धिमान हो, बड़े व्यक्ति हो, बड़े चालाक, चल करके हमारे राज सिंहासन पे बैठो और तुम सत्ता। लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि 5 साल बाद इसलिए वो मना कर देता है। फिर कोई और देखता नहीं, लोग उसके पास नहीं जाते हैं, 2-3 बार उसे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो कुछ सोचता है, सोच के वो हाँ बोल देता है कि मैं राजा बनने के लिए तैयार हूँ। जब उसे पता होता है कि राजा बनने के बाद 5 साल बाद उसके पास क्या होने वाला है, लेकिन फिर वो तैयार हो जाता है। वो जाके राज सिंहासन पे बैठ जाता है। क्योंकि वो बुद्धिमान प्राणी था, चतुर इंसान था, तो गद्दी पर बैठते उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि क्यों ना, मुझे पता है 5 साल बाद वहां जाना है जहां पे मुझे कुछ खाने पीने के लिए नहीं होगा, बस हिंसक जानवर होंगे और मुझे वो मार के खा जाएंगे। अब वो उस राज्य के अंदर सभी से ऐलान करता है कि एक बार आप लोग, क्योंकि वो राजा होता है, आदेश देता है कि मुझे उस जगह जाना है जहां आप लोग मुझे 5 साल बाद छोड़ के आएंगे। सभी लोग उसे लेकर के जाते हैं। वो वहां जाकर के देखता है सब तरफ जंगली जंगल, घना जंगल, हिंसक जानवर, उनके अलावा वहां पे कुछ नहीं होता। बहुत सारे राजा की पहले जो अस्थियां होती है वो वहां पे देखता है, पहले के जो राजा थे उनकी अस्थियां उसे वहां पे दिखाई देती है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो वहां आकर के पहले साल ही क्या करता है, उस जंगल से उन पेड़ों को कटवा देता है जो उसे घना बना, कंटीली झाड़ियां उस अस्त व्यस्त जंगल के अंदर से वो कटवा देता है ताकि कुछ जो उसका घनापन है वो कम हो जाए, उसका जो डरावनापन है वो कुछ हद तक कम हो जाए। फिर अगले साल वो क्या करता है, वहां पे जो कुछ और खतरनाक पेड़ थे या जो उसकी सुंदरता को नष्ट कर रहे थे उन पेड़ों को फिर कटवा देता है। फिर तीसरे साल वो वहां पे जो हिंसक जानवर होते हैं उनको मरवा देता है। चौथे साल वो वहां पे कृषि कार्य शुरू करवा देता है, खेती करना शुरू करवा देता है। पांचवें साल में वहां पे बिल्डिंग मॉल बनाना शुरू करवा देता है। और जब उसके 5 साल पूरे होने वाले होते हैं, 10-15 दिन से छोटे, तो वो वहां लोगों से कहता है कि अब आप मुझे वहां छोड़ के आ जाओ जहां पे मुझे 5 साल बाद जाए। तो लोग मना कर देते हैं कि नहीं, अभी आपके 15 दिन बाकी है, अभी हम आपको नहीं छोड़ के। वो बड़ा एक्साइटेड होता है, 15 दिन पहले उस जगह जाना होता है क्योंकि उसे पता होता है उसने उस जगह क्या बना दिया, पहले वो जगह क्या थी, उसने क्या बना। तो 5 साल उसके पूरे हो जाते हैं, उसके 5 साल पूरे होते ही लोग उसको नए कपड़े पहनाते हैं, हाथी पे बैठा के उस जंगल में छोड़ जाते हैं। लेकिन उसे अब उस जंगल में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उस जंगल को उसने रहने लायक बना दिया, उस जंगल को उसने रहने लायक बना दिया था, उस जंगल में अब जीवन संभव था। ये कहानी बताने का आप लोगों को मेरा उद्देश्य ये था कि अब जो आपकी जिंदगी आप जिस दौर से गुजर रहे हैं आप वो राजा हैं, आपके माँ बाप ने आपको जो सुविधाएं दी है, आपके अंदर जो जोश है वो आपका राज्य है। अब पहले के राजाओं को क्यों मरना पड़ा, क्योंकि उन्होंने राज सिंहासन संभालते ही अपने सारे जो खुशियां थी वो सब वहां पे मदिरा पान करने लग गए, वहां पे सुख भोगने लग गए, बस भूल गए कि 5 साल बाद इन्हें कहां जाना है।
भी 5 साल पहले जब उनके पास सुख था, सब सुख सुविधाएं थी, अगर उन्होंने सोच लिया होता तो उन्हें मरना नहीं पड़ता। आपको उस बुद्धिमान राजा की तरह सोचना है। अभी आप उस राज्य के राजा हैं, 5 साल हैं आपके पास अपनी आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाने के। आने वाली जिंदगी में आपको भी एक जंगल मिलेगा जहां पे बेरोजगारी होगी, बड़े बड़े राक्षस होंगे, जानवर होंगे, लेकिन आपको अभी मेहनत करनी है, उस चीज को दिमाग में रखना है कि आने वाला टाइम क्या हो। अभी आप लोग बेटा जवान हो, आप यंग हो, आपको लगता है कि सब कुछ ऐसे ही चलेगा, जिंदगी ऐसे ही कटती रहेगी, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं कटती, हमेशा जिंदगी ऐसे नहीं कटती। उस जंगल में आपको जाना होगा, लोग आपको छोड़ के आएंगे उस जंगल में, घर वाले भी एक दिन आपको जंगल में निकाल देंगे कि जा कुछ कमा के ला, कुछ बन के दिखा। और अगर आपके पास कोई योग्यता नहीं है तो आप क्या बनोगे? तो अभी तो 5 साल आप राजा हो, उस दौरान कुछ ऐसा करो, आने वाला जो समय है वो आपका आशा है आप लोगों को ये कहानी समझ आई होगी कि मेरा उद्देश्य क्या था। आप लोगों को ये कहानी